नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। और दोस्तों एक बार फिर हाजिर हैं एक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं मूली के बारे में। ज़्यादातर लोग मूली को एक मामूली सी सब्जी मानकर मान देते हैं और इसे खाना ज़रूरी नहीं समझते हैं, लेकिन शायद आप इस बात से अनजान हैं कि बाकी सब्जियों की तरह ही मूली में भी काफ़ी ज़्यादा पौष्टिक गुण होते हैं। तो चलिए जानते हैं कि मूली खाने से आपको कौन कौन से फायदे हो सकते हैं। कैंसर जैसी घातक बीमारी से लड़ना नामुमकिन होता है। एक बार यह बीमारी जिसे हो जाए उसे इलाज के बावजूद बच पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, लेकिन ऐसी कुछ चीज़ें हैं जिन्हें खाने से इस बीमारी से बचा जा सकता है। मूली भी एक ऐसी ही चीज़ है। कैंसर से बचने के लिए मूली को अपनी डाइट में जरूर शामिल करें। मूली में विटामिन सी होने के कारण एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा भरपूर होती है। मूली एंटी हाइपरटेंसिव होती है जो कि हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने का वर्क करती है। मूली में पोटेशियम होता है जो शरीर में सोडियम और पोटेशियम के लेवल को मेंटेन रखता है। शरीर में इंसुलिन की मात्रा न बढ़ने पर ही शुगर बढ़ता है। डायबिटीज़ के मरीज को मीठा खाने और पचाने में दिक्कत होती है, ऐसे में डायबिटीज़ के मरीज मूली को ज़रूर खाएँ। इससे इंसुलिन बढ़ेगा और शुगर लेवल कंट्रोल में रहेगा। मूली में कैलोरी कम होती है और फाइबर अधिक मात्रा में होता है। 100 ग्राम मूली में 16 कैलोरी होती है। अगर आप डाइटिंग कर रहे हैं तो आपको मूली ज़रूर खानी चाहिए, क्योंकि यह आपके मोटापे को कम कर सकती है। इसके अलावा जिन लोगों को अस्थमा की दिक्कत होती है उनके लिए मूली बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होती है। साथ ही यह मौसम के अनुसार श्वास नली में होने वाली एलर्जी की रोकथाम में भी आपकी मदद कर सकती है। मूली में विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट होता है जो स्किन को फ्री रेडिकल से दूर रखता है। स्किन के दाग धब्बे खत्म करने के लिए मूली को घिसकर चेहरे पर लगाएं, इससे स्किन ग्लो करने लगती है। पायरिया से परेशान लोग मूली के रस से दिन में 2-3 बार कुल्ला करें और इसका रस पिए तो आपको काफ़ी लाभ होगा। मूली के रस से कुल्ला करना, मसूड़ों दांतों पर मलना और पान पीना दांतों के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होता है। मूली को चबा चबा कर खाने से दांत और मसूड़े स्वस्थ रहते हैं। कब्ज से परेशान हैं तो मूली पर नींबू लगाकर आपको सुबह के वक्त खाना चाहिए, इससे आपको काफ़ी लाभ होगा। भोजन में मूली सलाद के रूप में लें तो और भी ज़्यादा लाभ होगा। सुबह शाम मूली का रस या जूस पीने से पुराने कब्ज में भी लाभ होता है। इस दौरान तला भुना भोजन नहीं खाना है, बस इस चीज़ का जरूर ध्यान रखना है। इसके अलावा मूली खाने से रक्त विकार दूर होते हैं, स्किन के दाग धब्बे हटते हैं। दांतों पर पीलापन हो तो मूली के टुकड़े पर नींबू का रस लगाकर दांतों पर अगर धीरे धीरे मलते हैं तो इससे दांत साफ हो जाते हैं। इसके अलावा मूली को छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर नींबू का रस मिलाकर धीरे धीरे अगर दबा चबाते हैं तो थोड़ी देर बाद इसे उगल दें। ऐसा नियमित करने से क्या होता है कि दांतों पर जो पीली परत चढ़ जाती है गंदगी की, वो दूर हो जाती है। मूली में डायूरेटिक गुण होते हैं जो कि किडनी को हेल्दी रखने में मददगार होते हैं। मूली बॉडी से गंदे पदार्थों को बाहर निकालने में वर्क करती है, इससे बॉडी अंदर से साफ रहती है। तो दोस्तों देखा, मामूली सी समझी जाने वाली मूली के कितने ज़्यादा लाभ होते हैं, कितने ज़्यादा फायदे होते हैं। तो ये थी आज की जानकारी और वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएँ। वीडियो देखने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।